इंट्रोडक्शन चलो। हम लोगों के बीच में आज किसान पाठशाला में यहाँ पर कई सारे लोग कुछ सीखने आए, कुछ देखने आए हैं, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी का समागम है आज पूरा। हमारे बीच में अब बुरहानपुर से भी कुछ लोग हैं, तो आज यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने आए हैं। 70-30 जो क्या बेस्ट हो सकता है। कैसे लगा बंच सामने एकदम? है ना, चलिए आइए कंटिन्यू। आगे आगे आ जाओ आप सब लोग, आगे हम लोग लेंगे, आगे आ जाओ आप लोग। और प्रीमियम होता है ये, 8 अगर होगा ना और प्रीमियम होगा। अब अगर इस पौधे को हम देखेंगे कि ये माल कट चुका है, ये अभी ज़्यादा ऐसा सुआ नहीं दिख रहा है, माल कटने को ज़्यादा बहुत टाइम हुआ नहीं है, है ना। ये लगभग 8 से 10 दिन हुए हैं इसको कटिंग को, जिस हिसाब से मोटा ही दिख रही है। पत्ते अगर गिनोगे तो समझ में आएगा, ये पत्ता तो अभी माल काटते समय काटा है, ताज़ा पत्ता है ये, ठीक है। ये इधर का पत्ता ताज़ा है, ये माल काटते समय काटा है। जब माल कटा उस समय का अगर आप पत्ता गिनोगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो एक्सपोर्टर या जो लंबी चाल में ले जाने वाला है वो समझेगा कि पत्ता कितना है पौधे में। उसके बाद अगर ये बेबी देखोगे साइड का, तो ये प्लांटेशन डेट इसकी है 20 फरवरी 2020, अभी जनवरी चालू हुआ, दिसंबर मतलब आपके 10 महीने हुए हैं। 10 महीने में आपको दिखेगा कि इक्का दुक्का माल बचा हुआ है, 10 महीने में कटिंग हो गई है। अब ये प्लांट की अगर हम उम्र काउंट करें तो लगभग ये 3 महीने पार हो चुका है जो बच्चा है। अब नीचे दो अगर बेबी, एक मेन और एक बच्चा मिल रहा है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो नीचे से गिर पड़ की शंका खत्म हो जाएगी कि नीचे से गिरेगा। सिंगल होगा तो वो गिरेगा, ये गिरने में इसको सपोर्ट मिल गया, एक ये बेनिफिट है। दूसरा, ये पत्ता अब चौड़ा आना चालू हो गया, तो यही परिस्थिति अगर आपकी अप्रैल मई में होती तो किसानों के खेत में दिक्कत क्या होती है कि पत्ते कम होने के कारण गर्म हवा अंदर घुसती है तो यहाँ से टूट के गिरता है थड़, है ना, ये टूट के गिरता है, तो हरे पत्तों की संख्या की पूर्ति करेगा आपका ये बच्चा नीचे में। अप्रैल मई में जैसे बहुत सो के सवाल ये उठते हैं कि हम अगर बड़ा ग्राफ लेंगे और हमने जून में लगाया, जुलाई में लगाया, तो माल की कटिंग आएगी मई में जब बहुत गर्म हवाएं चलती है, तो उस समय आपके खेत में हरे पत्तों की संख्या, अभी अगर देखोगे तो 2 पौधे हैं, 5x7 पर 1250 पौधे एक एकड़ में आए हैं, और साइड में बच्चे को गिनेंगे तो 1250 तो ये भी मिलेगा ना हर पौधे पर, ये 1250 और 1250, अभी आपके पास 2500 पौधे हैं इस खेत में। कितना? ये 8000 पौधों का बगीचा है, लेकिन मैं एक एकड़ की बात कर रहा हूँ कि एक एकड़ में अगर लाइन से लाइन 5 पौधे से पौधा 7 फीट रखेंगे तो दूरी कितनी? 5x7 पर है, हर लाइन 5 पर है। तो मैंने जो बताया कि ये एक नाली कर दी है और ये कि चौड़ा पट्टा ले लिया, तो वो भी 5 पर ही है, ड्रिप आपकी 5 पे, ये पौधे से पौधा 7 है, लेकिन सामने नहीं है, तिरछा है, ऐसा ज़िगज़ैग हो गया है। अभी ये पौधे की जितनी हाइट है, अब इसकी हाइट इससे ज्यादा जाएगी, इसलिए 5x9 चाहिए। अगर आप पत्ते का साइज देखोगे पूरा, तो वो वहां पर घुस गया है। ये अगर दूरी नापोगे आप तो 6.25 फीट होती है,
क्योंकि ये सामने आता तो 5 रहता, ये तिरछा गया है। अब टेप लगाओगे तो सवा 6 फीट होगा, और ये पत्ते को नापोगे तो अब 6 फीट इसने कवर किया है। और जब ये पौधा बड़ा होगा तो इसको क्या होगा, एक तो यहाँ से न्यूट्रिशन मिलना है, दूसरा ये पौधे का पूरा पानी भोजन इसको मिलेगा, रिवर्स होगा। तो इसका साइज लेगा और ये ज्यादा, इसको काटना नहीं, इसको काटना नहीं, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। पत्ते सर, ये पत्ते भी निकालने नहीं है इसके? पत्ते नहीं निकालना है, अभी तो ठंडी है इसलिए पूरा कुछ निकाला नहीं है, लेकिन जब फाइनल हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो कम से कम 2 पत्ते रखेंगे, बाकी के काट देंगे। 2 पत्ते रखना है ताकि ये ऑटोमेटिक रिवर्स हो, सड़ के रिवर्स ना हो। ये ऑटोमेटिक रिवर्स होगा तो पूरा भोजन इसको देगा मिलेगा, और सड़ गल के रिवर्स हुआ तो आधा भोजन खराब हो जाएगा, आधा भोजन इसको देगा। तो इसमें न्यूट्रिशन 2 तरीके से मिलेंगे, एक तो जड़ों से नीचे से लेगा, दूसरा इसका न्यूट्रिशन मिलेगा। तो अब इसका जो रटून देखोगे, इस पौधे से 1.5 गुना आएगा। इसका अगर वजन 25 किलो है तो ये 30 किलो आएगा, तो ही समझना है कि आप सही दिशा में हो। अब सही दिशा का मतलब क्या हुआ, हम जहाँ खड़े हैं ये जमीन में आगे चलकर ये क्रैकिंग भी आएगा, तो ये हवाएं अंदर बाहर होने के लिए है, और ये जो साइट है ये ओरिजिनल चलने के लिए नहीं है, हम खड़े हैं वहां पर, वो गड़बड़ है हमारी। तो यहाँ पर जो पहले दिन से प्लांटेशन किया, कोई कल्टीवेशन नहीं है, तो इसके लिए रूट डेवलपमेंट के लिए आज भी वो जो प्लेटफॉर्म है गादी 70% वो ढीली जगह है, पोरस है। आप अगर इनके नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको केचवे की विष्ठा मिलेगी, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो गोलियां है छोटी छोटी, ये कीट पतंग केचवा अभी घूमते भी दिख रहे हैं ना बारीक बारीक कुछ, ये केचवे की विष्ठा है ये जो है। तो ये पोरस जमीन रखी हुई है इसने, ये जो गोलियां है ना ये केचवे की विष्ठा है। तो ये इस पौधे की जड़ों को डेवलप होने के लिए पूरा एक भेज तैयार करके रखा है, और पानी हम बूंद बूंद जितना दे रहे हैं वो अंदर उतरेगा, ना कि ऊपर तैरेगा कीचड़ के जैसे, इसलिए ये कर्टन चाहिए कि ये पानी अंदर उतरे। जो मैंने वहां पर चर्चा करी वो अपने को यहाँ देखने के लिए है। अब हर पौधे को देखोगे तो मैं छोटे के पास खड़ा हूँ, लेकिन आप जैसे जैसे देखेंगे, अभी बड़े भी हैं, मिट्टी इसको लगाई ही नहीं है अभी तक, इतनी लगाना चाहिए। ये जो टखना है इसको इतना ढक देना चाहिए, इसको तो पौधा लगाने के बाद कुछ मिट्टी लगाया नहीं, कुछ कल्टीवेशन किया नहीं, यहाँ पर एक बार नाली कर दी थी बस। निंदाई गुड़ाई कितनी, इसमें ड्रिलिंग नहीं की हुई, पुराने को किया था ड्रिल, बाद को फिर वैसे ही रखा है। निंदाई गुड़ाई तो आई नहीं होगी फिर, पहले कचरा मल्चिंग में आती नहीं है, यहाँ पर आएगी थी, आप चला सकते हो, उस साइड कुछ चलाना नहीं है, जो करना है वो यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग। तो करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? अब इसको ड्रिलिंग जरूरत कुछ जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, निकला तो हमें ऐसा लगता है या मम्मी पापा परेशान करे तो इस पट्टी में काम करो, बोलना हम निंदाई करके आ गए। उधर कुछ नहीं करना है ऐसा, वहाँ पर कुछ करना नहीं है, नीति ऐसा हो जाएगा उधर भी, हाँ टाइट ऐसा टाइट हो जाएगा, और ये टाइट में फिर आपका सेकंड नहीं चलेगा। सही बात, आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो पूरे खेत में उधर ढीला चाहिए, पूरे खेत में हमने पूर्व तरफ बेबी रखा है। तो जब आप बेबी रखोगे, नया बच्चा रखोगे, तो एक दिशा चयन करना पड़ेगी। अगर ये उत्तर दक्षिण ऐसी लाइन है तो आपको उत्तर दिशा में रखना है, और पूरा पश्चिम लाइन है तो आपको पूर्व दिशा में रखना है। जब अगला बेबी रखे दक्षिण पश्चिम में नहीं रखना है, क्योंकि फ्लावरिंग आने की ज्यादा गुंजाइश उधर, धूप ऐसा चलता है ना, दक्षिणायन सूरज ऐसा चलता है, तो पौधा तिरछा हो जाता है। तो पहले से ही हमें या तो पूर्व में लो या उत्तर में लो। अब यहाँ लेंगे तो ये लटक जाएगा, इसलिए सारे पौधों का आप देखोगे तो 1 फीट खसक जाएगा ये पूरा प्लॉट आगे बढ़। अब ये जब पूरा कट के खत्म होगा और इसका टाइमिंग सेट होगा तो 1 फरवरी को यहाँ पर नया बेबी रखना चालू करेंगे, 1 फरवरी या 1 मार्च के बीच में। ये जरूरी नहीं है कि ये जो रटून भगवान मंदिर की तरफ से होना, ऐसा तो जरूरी नहीं है, एक दिशा होना। अभी ये नल्ली की तरफ नहीं है, नल्ली तो आपका उधर है, लेकिन पूर्व है तो सारा का सारा पूरा खेत पूर्व में 1 फीट शिफ्ट हो गया। अब इसका बेबी रखना है तो एक साथ फिर पूरे खेत का रखना है, तो फिर अगली थर्ड के लिए 1 फीट शिफ्ट हो जाएगा, तो पूरा खेत आपका 1-1 फीट आगे बढ़ते जाएगा। इसलिए ये 7-9 फीट चाहिए कि आप कंटिन्यू ज्यादा 9-10 कटिंग तक भी रुकोगे नहीं,
और वो पौधा जब यहाँ आएगा, जब तक ये खाद बन के मिट्टी बन चुका होगा, तो मतलब इससे आगे भी बढ़ सकते हो। ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, हाँ इधर ऐसा बढ़ेगा भैया, बढ़ता ही जाएगा। आपका टिश्यू कल्चर है इसलिए ये इधर से आया, हमारे इधर दोनों तीनों तरफ से आता है, तो हल्का टिश्यू कल्चर है इसलिए नहीं आया है। उसको कटिंग ही छोड़ दी है ना, उसको काटना ही छोड़ दिया। आपकी जिज्ञासा है, केले के पौधे में ये जितने पत्ते है ना, उतनी आँख है। ये जैसा पत्ता घूम के जहाँ गया वहां से एक आंख निकलेगी, ये पत्ता घूम के जहाँ गया वहां से आंख निकलेगी। पूरे पौधे के सराउंड में जितने पत्तों की चोमल बन रही है, जैसे ये नक्शा बना यहाँ पर, तो यहाँ से एक आंख बन के निकलेगा। 35 पत्ते हैं तो 35 आंखें आएगी और सराउंड में आएगी, इसी तरफ आएगी। टिश्यू है इसलिए नहीं, नहीं, नहीं पौधा है तो किधर भी आएगी। जैसे ये सिंगल मतलब कि वन शॉट फ्लोरिंग आई, इसलिए वन शॉट इधर से आया। अभी हमारे यहाँ तो गटर है, सभी है, आप दिखने रहे हो, कटिंग आई क्लियर भर नहीं रहा हो। ये कटिंग कर चारों तरफ से, इस तरफ भी है, ये है, चारों तरफ है और चारों तरफ आता ही है। वो फर्से काट दिए, वो काट दिए, उसको आप डिलीट करो कि एक ही तरफ आएगा, वो चारों तरफ आएगा। हमें सिलेक्शन एक तरफ करना है, ओके। बंजी टॉप जो होता है, पत्ते पूरे चिपक के आते हैं और इतना सही कहता है, और पौधे की हाइट नहीं लेती जाता। ये अगर वातावरण बना के रखा है कि इधर का पानी इधर भेजना हो, ये क्रेकिंग हो, हवा अंदर बाहर हो, तो बंजी टॉप, सीगा टॉप का करपा कुछ आएगा ही नहीं। आया तो जल्दी रिपेयर होगा। एक दूसरे से दूर कर दिया हमने, है पास में लेकिन यहाँ कनेक्शन नहीं है। हम 5x5 में पूरा गीला, खेत साल भर तक गीला, मतलब निमेटोड, फंगल, सीगाटो का सब। अभी यहाँ पौधों में आप देखोगे तो ये अब माल कटने के बाद ऐसे छींटे दिख रहे हैं। हमारे तरफ तो माल कटने के पहले खत्म, पत्ते खत्म, 5x6 लगाए हैं, लगाए मैंने, लेकिन हमारे यहाँ इतने मतलब कि इतने पत्ते, माल क्रेट में जा रहा है, इसके लिए भर रहे पेपर ने, तो पत्ती नहीं रहती। पहली बार छलांग लगाओ, सीधे 5x9 पे जाओ। 10 एकड़ खेत है तो आधे एकड़ में 5x9 करो, फिर अगले साल बात करेंगे प्लानिंग के हिसाब से। फायदे, कोई स्प्रे करना नहीं, कोई दवाई का उपयोग करना नहीं है, और फर्टिलाइजर जितना दे रहे हो उससे पहले साल आधा और अगले साल जीरो। अभी हम जो नई साइट पे जाएंगे मैं दिखाऊंगा, हम रेसिड्यू फ्री फार्मिंग का एक फार्मूला देते हैं। इस खेत में तो जनरल डाला है तो आपको फर्टिलाइजर दिखेगा, ये डाला हुआ है। इस खेत में 40 से 42 रुपए पौधे का खर्चा है, खाद का और पौधा वगैरह है। हम अभी दूसरे खेत में जाएंगे तो वो पूरा रेसिड्यू फ्री पहला साल और दूसरा साल प्राकृतिक, जीरो बजट पूरा। 30 किलो का वजन कट रहा है, 30 किलो का। तो पहले विश्वास नहीं होगा, देखने के बाद भी घर जाओगे तो घर वाले आपकी आंखों पर फिर इरेज कर देंगे कि गड़बड़ है क्या, तो भी सिक्के आ गया है। तो पहले साल लड़ाई करके 10 एकड़ में से एक एकड़ 5x9 करना है, एक एकड़ शुरुआत, ताकि पब्लिक आपके खेतों में देखने जाए। यहाँ आना बंद करो, मैं अभी खुद बलराम भाई मई में लगाऊंगा, लेकिन मैं खुद 5x5 पे लगाने वाला था, लेकिन मैंने ये पूरे यूट्यूब पे चला, आज मैं भी खुद पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं खुद 5x7 से कम नहीं लगाऊंगा। अभी भी 9 पे जाने में थोड़ा सा डर है, अच्छा है 5x7 को आ रहा है, ये अच्छा है। ये कुछ ये है जहाँ से हम मदर क्लोन लेके जाएंगे, यहाँ हमने खरपतवार नाशक नहीं डाला है, ये मार्किंग है कि कहाँ से मदर क्लंप लेना है नए रेटून के लिए। ये रेवा प्लस लगा हुआ है यहाँ पे, अच्छा ये रेवा प्लस अपनी चालू है, समझो 2 महीने की जो चालू है, उसके बाद में अपन रेसिड्यू फ्री पे जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। रेसिड्यू फ्री का मतलब होता है कि आप जो खाद डाल रहे हो वही फार्मेट सीधा खेत में मत डालो, उसको पहले तो आधा कर दो। अगर आपने 2 गोनी डालना है तो उसको 1 गोनी कर दो। अभी ये 1 गोनी में 3 गोनी मिट्टी या गोबर मिक्स कर दो, खेत के बाहर इसको मिला लो, तो ये अपना सर्फेक्टेंट तोड़ देगा और ये पौधे को लगने लायक हो जाएगा। हमने एक एक्सपीरियंस ये भैया के खेत में अभी करके रखा है, तीसरा दिन आया, मुझे आ गया, नहीं तो आज उसको पलटा, कल पलटा देना, चलेगा।
तो सातवें दिन में इनके ये इसलिए है कि ये अगर आप देखोगे यहाँ पर डीएपी डालने को कितना दिन हुआ है, आज भी ये वैसा ही है। तो डायरेक्ट डाला तो ये आपके जेब से तो पैसा चले गया, पौधा ने तो लिया नहीं ना अभी भी, अभी भी लिया है। तो इसको बाहर ही पहले पका लो, रेसिड्यू फ्री में कन्वर्ट कर लो, और जो पका हुआ है उसको फिर डालो। और फिक्सेशन भी बतला दो। एक्चुअली जो फास्फोरस है उसका जो फॉर्मेट हमें डीएपी मिल रहा है या एसएसपी मिल रहा है, वो आज हमने खेत में डाला तो अगले 28 दिन बाद लगना चालू होगा और अगले 90 दिन तक लगेगा। ये फास्फोरस का प्रक्रिया है। और किसी भी पौधे को पकाने के लिए, अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें जानकारी ये दी गई है कि सबसे ज्यादा फास्फोरस की आवश्यकता है। ऐसा ही है, सही बात है। तने को मोटाई लाने के लिए, फल केले की गिनती के लिए, ये सब के लिए फास्फोरस की जरूरत है। तो फास्फोरस ही सबसे ज्यादा देना है, फास्फोरस ही सबसे ज्यादा महंगा आएगा और फास्फोरस से ही हमारी खेती होगी, डीएपी से ही, ये हमें सबको पता है। और फास्फोरस जितना डालोगे उतना खेत का पीएच बढ़ेगा, ये भी पक्का है। क्योंकि हमने आज अगर 100 किलो फास्फोरस डाला तो वो मात्र 20% लगेगा और 80% फिक्सेशन में जाएगा, जो जमीन का कड़कपन बढ़ाएगा, सरल भाषा में पीएच बढ़ाएगा। ये फॉर्मेट है, ये मेरा नहीं है किया हुआ, जो है सूत्र वो मैं बोल रहा हूं। अब हमने अगर 100 किलो डीएपी डाला, उदाहरण के लिए 100 किलो खेत में डीएपी डाला, तो डीएपी के अंदर क्या आता है, 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस और पोटास जीरो आता है, मतलब पोटास नहीं आता है। अब 100 किलो डीएपी डाला मतलब हमने 46 किलो फास्फोरस डाला, यही हुआ। अभी 46 किलो फास्फोरस हमने जो ये फॉर्मेट में काका ने डाला है, ऐसा हमने डाला खेत में, तो इसका क्या मतलब होगा, 20% लगेगा। कब, कंडीशन अप्लाई, जब 6.5 पीएच हो खेत में और 1% से ज्यादा कार्बन परसेंटेज हो, बायोमास कार्बन। ये किताबी ज्ञान कहता है कि जब आपके खेतों में पीएच वैल्यू, मतलब अपनी सरल भाषा में नमक की मात्रा न ज्यादा हो न कम हो, 6.5 आइडियल पीएच हो और 1% से ज्यादा कार्बन हो, उस समय आपने जो फास्फोरस डाला है उसका 20% लगेगा। अगर ये पीएच आपका 7 है या 8 है या ऐसा ऊपर है तो और कम लगेगा। कार्बन परसेंट अगर 1 से कम है, 0.5 है, 0.3 है, तो और कम लगेगा। तो मैं मानता हूं कि सबके खेत में 6.5 पीएच है, जो है नहीं लेकिन हम मानते हैं अभी उदाहरण के लिए, और कार्बन 1% है, मतलब आइडियल कंडीशन है। तो आपका 100 किलो डीएपी डलने से 46 किलो फास्फोरस गया, 46 किलो फास्फोरस का 20% प्लांट अपटेक करेगा, तो कितना करेगा, 46 का 20% 9 किलो 200 ग्राम। पैसा हमने दिया है 2 गोनी डीएपी का, 1250 2500 रुपए दिए हैं, वो अल्टीमेट प्लांट को लगेगा 9 किलो 200 ग्राम। और लगेगा कब तक, 28 दिन में तो लगना चालू होगा, क्योंकि 28 दिन में उसको पीएसबी, फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया, उसको कन्वर्ट करेंगे और पौधे को खिलाने लायक बनाएंगे 28 दिन में, अगर 6.5 पीएच और 1% कार्बन है तो। और ये 9 किलो 200 ग्राम लगेगा 90 दिन तक। अभी आपके एक एकड़ में 1000 पौधे हैं और आपने 2 बैग डीएपी दिया, मतलब हम गर्व से कह रहे हैं कि मैंने 2500 रुपए का खाद डाला। अभी ये 2500 रुपए का खाद उस 1000 पौधे में 9 किलो 200 ग्राम के रूप में लगेगा, तो 9200 ग्राम भागित 1000 पौधे, 9 ग्राम कैसे, तो एक पौधे को 9 ग्राम फास्फोरस लगा कितने दिन में, 28 दिन में लगना चालू होगा और 90 दिन में लगेगा, भागित 90 करेंगे तो कैलकुलेटर ले ले, 1 ग्राम के अंदर है पॉइंट, है ना। ये फर्टिलाइजर की फाइनल लाइन है। हमें ऐसा लगता है कि मैं दुकान से ज्यादा डीएपी लाके डालूंगा तो केला पकेगा, वो गड़बड़ है। केला पकता कैसे है, पूरी बॉडी में 70-72% पानी है, मतलब आपको केला पकाना है तो 70-72% पानी पर ध्यान रखना है, एक बार। दूसरा, बायोमास बॉडी इसकी जो है, जो सूर्य प्रकाश से इसने अपनी बायोमास बॉडी बनाई है, वो अल्टीमेट आपकी
लगभग लगभग 12% 10-12% बनता है वो। इसको पूरे को 100 ड्राई कर देंगे केले की बॉडी को, तो 12-15% सूखा वजन मिलेगा। ये जो सूखा वजन गीला नहीं सूखा, तो ये इसने लिया है सूर्य प्रकाश। अभी बचता कितना है, 70 और 12-15, तो 75 और 15 अगर हम ज्वाइंट करेंगे तो ये हो गया आपका 80 और 90। तो जो 8-10% की कथा है वो हमारा मैनेजमेंट है और फर्टिलाइजर है। सरल भाषा में अगर हमने केले को पकाना है तो पानी प्रबंधन और इसका सराउंड ग्राफ जो ज्यादा फोटोसिंथेसिस से इसे कार्बन के इसकी मास मज्जा पेशी को बढ़ाए, ये अल्टीमेट हो रहा है। और जो 10-12% 8% जो हमें डीएपी यूरिया पोटास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर ध्यान देना है वो इतना ही देना है। अब ये जो 8-10% है इसमें अगर आपने ये बायोमास आच्छादन कर दिया और यहाँ कीट पतंग केचवे की कॉलोनी बना दी तो उसकी जो विष्ठा है वो इसको फास्फोरस भी दे देगी, पोटास भी दे देगी, एल्यूमिना भी दे देगी, सब दे देगी और दे ही रही है। हम नई साइड देखेंगे, वहां पर कुछ डाला नहीं है। थोड़ा टैगिंग का भी मतलब हमारा टैगिंग तो कुछ टैगिंग वहां पर देखते हैं अपन, चलेगा। आइए अगली साइड पर चलते हैं। यही मल्चिंग काम है।